हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओम तिवारी लेट्स प्ले। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो आज हम खेलने जा रहे हैं लोकी क्राफ्ट में वन ब्लॉक। ओह माय गॉड, अगर आप भी वन ब्लॉक खेलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक डाली है, आप वहाँ से देख सकते हैं और डाउनलोड करके खेल भी सकते हैं। चलिए तो वीडियो को करते हैं अपन स्टार्ट। तो लेट्स गो। सबसे पहले मैं चेक से सारे सामान ले लेता हूँ, क्योंकि एक भी सामान अगर नीचे गिरा तो मेरा नुकसान है। अब मैं चेस्ट को तोड़ लेता हूँ, नीचे एक बेडरॉक मिलेगा मेरे को, ये मिल गया। अब मेरे को अपने आइलैंड को थोड़ा एक्सपेंड करके और खूब बड़ा कर लेना है। चलो तो करता हूँ बड़ा। अभी तो मैं डर्ट ब्लॉक से कर रहा हूँ, लेकिन जब बाद में मेरे पास सामान आ जाएंगे तब मैं कोबल स्टोन से करूँगा, क्योंकि डर्ट वेस्ट ना हो। मेरे आइलैंड को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा। इतना बड़ा करना अब काफ़ी है मेरे को बनाने कोबल स्टोन जनरेटर। तो उसके लिए एक बार जगह देख लेता हूँ, ये ऐसे कुछ बनाता हूँ। अरे यार, मैंने बीच में तीन ब्लॉक का स्पेस छोड़ा है, उतने में बन जाएगा क्या? नहीं, कोई बात नहीं, नहीं बनेगा तो अब इसको कुछ तो करना पड़ेगा। मैं इसको तोड़ के और बड़ा कर लेता हूँ, ताकि चार ब्लॉक का बन जाए ना। स्काई ब्लॉक में जब डर्ट गिरता है तो दुख बहुत होता है, जो मुझे अभी हो रहा है। तो मैं ये आइस ब्लॉक तोड़ लेता हूँ और यहाँ पे लावा लगा देता हूँ। अब यहाँ पे कोबल स्टोन बन गया है, अब इसको तोड़ के एक बार देखता हूँ नया कोबल स्टोन बन रहा है ना, या कुछ और बन जाए। अब मैं थोड़ी ग्रोथ करता हूँ, सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ, फिर कोबल स्टोन माइन करता हूँ पिकेक्स बना के। उससे पहले मैं अपने सारे सामान इस चेस्ट में रख लेता हूँ, क्योंकि मैं अगर गलती से भी नीचे गिर गया तो मेरे सारे सामान ख़त्म हो जाएंगे और ये पूरा सीज़न ख़राब हो जाएगा। अब मैं क्राफ्टिंग टेबल लगा के वो पिकेक्स बना लेता हूँ, वुडन पिकेक्स, और माइनिंग स्टार्ट करता हूँ। वैसे खूब सारे कोबल स्टोन हो जाएंगे तो अपन अपने आइलैंड को भी बड़ा कर पाएंगे और सामान भी अपने पास बहुत सारे हो जाएंगे। अरे ये क्या हो रहा है, कोबल स्टोन ऐसे पीछे कर रहा है मेरे को जैसे गार्ड हो। अरे फिर से इसको तोड़ता हूँ मैं ऊपर से, अच्छा लग रहा है। ओह नो, मैं लगता है पानी में गिर गया, ऊपर जाना पड़ेगा कहीं पानी से नीचे ना गिर जाऊँ। बच गया वैसे तो मैं, मेरे आधे से ज़्यादा कोबल स्टोन तो नीचे गिर रहे हैं या फिर लावा में जल रहे हैं। मैंने अब तक कितने कोबल स्टोन माइन कर लिए हैं, लेकिन केवल मुझे अब तक एक ही छः कोबल स्टोन मिले हैं, मैं भी एक कह रहा हूँ। सोलह कोबल स्टोन हो गए मेरे पास। अब मैं जल्दी से कोबल स्टोन के हथियार बना लेता हूँ, ताकि आगे अपन और ग्रोथ कर सकें। वैसे आठ कोबल स्टोन बचे हैं मेरे पास, सोच रहा हूँ इनका स्लैब बना लेता हूँ। अब सोच ही रहा हूँ तो बना ही लेता हूँ, बना भी लिया। अब यहाँ पे लगा के थोड़ा इसको और बड़ा कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा आइलैंड रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने ये पेड़ और ये बोन इसलिए लिए क्योंकि मैं बोन मिल बना के ये पेड़ को उगा दूँ, और इसे जो लकड़ियाँ मिलेगी उसको काट दूँ, और तो क्या कर सकते हैं। वैसे पेड़ उग चुका है, इसको काट ही रहा हूँ मैं।
या माइनिंग करने पे कोई कोई कोबलस्टोन नीचे जा रहे हैं, उसका कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। मैं कुछ सोच रहा हूँ कि इसके नीचे एक ब्लॉक लगा दूँ, वाटर नीचे जाने के बजाय अटक जाए तो कोबलस्टोन भी गिरेगा तो उधर ही रहेगा और अपन ले सकेंगे। तो मैं स्लैब बना के उसके नीचे लगाता हूँ। वैसे नीचे स्लैब लगाने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा और ये बहुत खतरे वाला काम है, फिर भी जाता हूँ। ये लग गया स्लैब, अब ऊपर जाके से लगाना है बस। जल्दी से ऊपर जाता हूँ। अरे एंड एक्सेट, ये हो गया हमारा। इस लावा को भी ढक देता हूँ, अगर मैं गलती से गिरा तो वैसे ही जल जाऊँगा, इससे बजाय इसको ढक ही देता हूँ। अब मैं जो ये कोबलस्टोन माइन कर रहा हूँ ना, इसके नीचे एक वुड लगा देता हूँ, क्योंकि मैं अगर कंटिन्यू प्रेस करके रखूँगा तो ये इजी रहेगा तोड़ना। अरे यार ये वाटर निकलने लग गया, ये लकड़ी उधर कहाँ लगी, मैं जाता हूँ तोड़ने। ओह नो, मैं गिर गया। शिट, कोई बात नहीं, ज़्यादा सामान नहीं थे अपने पास, बस आयरन के पिकेक्स सॉर्ड ये सब थे, फिर भी ये सब काम के तो थे। इस बार नीचे नहीं गिरूँगा। को क्राउच होके लगाता हूँ। अरे ये कहाँ लग गया, इसके ऊपर एक काम करता हूँ और एक और लगा देता हूँ, एक डर्ट ब्लॉक लेके इसको ढक देता हूँ। अब मुझे वुडन पिक एक्स फिर से बनानी पड़ेगी, ऐसे दिन आ गए। क्या भाई, बस इस पेड़ से एक ही सैपलिंग गिरा। देखो अब ऐसे ही इजी रहेगा माइनिंग करने में। मैं कंटिन्यू प्रेस करके रखूँगा बार बार, मुझे हाथ नहीं हटाना पड़ेगा स्क्रीन पे से। और ऐसे जल्दी जल्दी भी टूट रहा है। मैं स्टोन की पिकेक्स बना लेता हूँ, वो ज़्यादा तेज है। सोच रहा हूँ साथ में सॉर्ड भी बना लूँ, अगर मॉब स्पॉन होंगे रात को तो उनको मार दूंगा ना। यार रात होने वाली है, मैं एक फर्नेस बना लेता हूँ ताकि उजाला रहे और कोई मॉब गलती से भी स्पॉन नहीं हो मेरे आइलैंड पे। अगर मैं चारकोल की लाइट बनाऊँ तो वो भी ठीक रहेगा, उसके लिए मुझे पेड़ काटने पड़ेंगे और ये पेड़ तो अब तक उगा नहीं, इसलिए बोन मिल बना के इसको वापस उगा देता हूँ। अरे तीन बोन मिल लग गए फिर भी ये नहीं उगा, एक और लगा देता हूँ। आखिरकार उगी गया, चलो इसको काट लेता हूँ स्टोन एक्स से। अब इसको फर्नेस में डाल देता हूँ मैं और चारकोल के लिए बनाने के लिए रख देता हूँ। वो चारकोल बन रहा है तब तक क्या करें, तब तक माइनिंग कर लेता हूँ मैं। एक तो ये एड परेशान कर देते हैं। क्या भाई सेपलिंग देगा कि नहीं, हाँ दिया था, वो भी दो दो। तो मेरे दो चार कुल बन चुके हैं, तो दो की मेरे आठ लाइटें बनेगी, बना लेता हूँ और बाकी चार कुल बनने के लिए रख देता हूँ। इन टॉर्च को हर कॉर्नर पे इसको प्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे तो कॉर्नर ही नहीं है इसलिए। ये बोनमिल मैं पेड़ पे लगा रहा था और ये नीचे लग गई, कोई बात नहीं, अभी सात हड्डियाँ पड़ी हैं। अब मैं सोच रहा हूँ मेरे को भूख तो लगेगी, इसीलिए फार्मिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ। उसके लिए मुझे हॉय बनाना पड़ेगा, वो भी बना ही लेता हूँ, सामान है तो बना ही सकता हूँ।
अरे यार मेले उगने के लिए दो डट मांगते हैं, यहाँ पे तो दो डट ब्लॉक है ही नहीं पीछे की साइड। इस साइड उगाता हूँ दो डट ब्लॉक लगा के, मेरे को मिले भी नहीं मेरे मेलन सीड। यहीं पे मैं इसको कर देता हूँ वही से, और फिर इधर ही खेती शुरू करता हूँ। फोर बाई टू का बनाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, चारों के चारों उगा दूँगा, फिर बस खाने का काम रहेगा। तो ये मैंने लगा दिया है, ये तीन चारकोल भी बन गए, इसको चेस्ट में रख देता हूँ मैं। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़े स्लैब बना के इस आइलैंड को थोड़ा और बड़ा करता हूँ। दोस्तों अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, किसका इंतजार कर रहे हो, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना अच्छी लगे तो, और बेल आइकन भी ऑन कर देना ताकि सबसे पहले आप देख सको ये वीडियो। और इसको मैंने लाइव चलाया है, वैसे ही मैं पार्ट टू को भी लाइव ही चलाने की कोशिश करूँगा, तो बी अलर्ट। आपको पता था ये मैं क्या कर रहा था, मैं चेक कर रहा था कि मशरूम लग जाता है कि डट पे। यहाँ केवल एक जगह खाली लग रही है, वहाँ पे एक कोबलस्टोन ही लगा देता हूँ, कहाँ स्लैब बनाने जाऊँगा। और टॉर्चों को सही से लगा देता हूँ उनकी जगह देके, और टॉर्च लगाने पड़ेंगे शायद, आइलैंड बड़ा होगा तो टॉर्च तो लगानी ही पड़ेंगी। तो रात हो गई, पानी में एक बार नहा लेता हूँ मैं। ये फर्नेस में ऐसी लकड़ी पड़ी है, इसको रख देता हूँ। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार, किसका इंतजार कर रहे हो। और हाँ, आप इस वन ब्लॉक को डाउनलोड भी कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करिए और देखना, आपको उसमें हर स्टेप बताएँ कैसे कैसे होगा और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।